मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों ने खूब मजा लिया और मुझे मलेरिया हो गया था। मैं बुखार मानकर छोटा मोटा इलाज करता रहा और मलेरिया बढ़ता गया। हेमोग्लोबिन ग्लोबिन 6.5-7 तक हो गया। मनोबल से जितने सत्संग करने थे कर लिए। बाद में चेकअप के बाद पता चला कि ये साधारण बुखार का इलाज हो रहा है, इसलिए बुखार नहीं मिट रहा है, मलेरिया। तो डॉक्टर ने मलेरिया का इलाज किया, तो मलेरिया के इलाज में साइड इफेक्ट जो हुआ, मलेरिया तो गया लेकिन आंखें तिरछी हो गई, कान बैठे हो गए, किडनी खराब हो गई, लीवर खराब हो गई। बकरे को तो निकाला लेकिन कुत्ता सियार मोटा गधा सब घुस गए और एक मिनट में चैन से नहीं बैठ सकता था, चैन से लेट नहीं सकता था। चिड़िया भी बोले तो मानो मेरे सिर पर हनुमान की गदा लग रही, ऐसी पीड़ा। पूछता कि किसको होती, तुरंत हंसी आती, फिर वो चालू हो जाता, फिर ऐसा प्रश्न होता और हंसी हो जाती, शाबाश है, सावधान रह जाता। आपको जब भी कष्ट दुख परेशानी पीड़ा आए तो आप समझना ये माया में आ रही है कि सत्य स्वरूप मुझ में आ रही है। मैं तो सत्य स्वरूप चेतन स्वरूप अमर आत्मा परमात्मा का अमर पुत्र हूं। ये दुख आता है मन में, बीमारी आती तन में, सफलता विफलता आती बुद्धि की कल्पना में, इन सबको जानने वाला तुरंत आप सत्य में आ जाए, चेतन में आ जाएंगे, आनंद में आ जाएंगे। शर्म फकीर का सिर कट गया क्योंकि जुम्मा मस्जिद में शर्म फकीर को औरंगजेब की हुकूमत ने आने को बाध्य किया, नमाज पढ़ो। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लव लगाता जाए, ये कुप्रचार बंद करो। ये कुप्रचार नहीं सुप्रचार है, लेकिन औरंगजेब के अहंकार को कौन समझाए। शरबत को ले गए सत्ता के बल से, औरंगजेब जुम्मा मस्जिद दिल्ली की नमाज अदा कर रहा है, शरबत जो का जो खड़ा है, इमाम नमाज करवा रहा है। शरबत बोलता है कि इमाम के पैरों तले खुदा पड़ा है, इमाम का खुदा, इमाम इमाम का खुदा शरबत के पैरों तले पड़ा है। खुदा पैरों तले बढ़ा है, आग बबूला हो गया सारा वाला, शरबत चल चलता है। बहकाने वाले चमचों ने, उलेमाओं ने, गुलामों की बोलियों ने, इमामों ने जहां पना, ये तो खुदा ताला की टोपी हो गई, पैरों तले गड़ा है खुदा। उस अंध औरंगजेब ने हुक्म जारी कर दिया, जहां शरबत मिले सुरक्षित कर दिया जाए, शरबत फकीर का सुरक्षित हुआ। औरंगजेब का पतन उस दिन से शुरू हो गया। फकीर को समझने के बदले फकीर के साथ अन्याय किया। रावण संतों को समझने की कोशिश करता लेकिन संतों के साथ जब रावण ने जुल्म करना शुरू किया, रावण का प्रभाव नाश होना शुरू हो गया। जय जयकार हो रहा था देवादि देव इंद्रदेव का, हाथी पे बैठ के जा रहा था, पुत्र का यश देखकर पिता राजी होता है, शिष्य का यश देखकर गुरु राजी होता है। मेरे गुरु जी के इतने श्रोता नहीं थे, अगर मेरे गुरु जी आ जाए अभी तो क्या मेरे गुरु जी देखकर ईर्ष्या करेंगे, मत्सर होगा, कह रहे ये मेरा बच्चा मेरे से ज्यादा प्रसिद्ध, जाओ इसको। नहीं नहीं, मेरे गुरु मेरी पीठ थूकेंगे, शाबाश है बेटा, मैंने नहीं किया तुमने कर दिखाया। ये पिता और सदगुरु का हृदय होता है और दूसरे अहंकारी दूसरे का यश देखकर उसका यश तोड़ने का करेंगे, चाहे कपट से सत्ता के बल से कुछ भी, बस मेरे यहाँ इनका यश कैसे नहीं हो रहा है। और संत यश के लिए सत्संग नहीं करते, यश के लिए अगर मैं सत्संग करूं तो मेरा परमात्मा अभी मेरा हार्ट फेल कर दो। अगर यश के लिए मैं सत्संग करता होता तो मेरा सत्संग होता ही नहीं, कुसंग होता, और तो
सत्संग में इतने आदमी को पकड़ने की ताकत नहीं है जो सत्संग में पकड़ने की ताकत। ये लाखों लाखों आदमी चालू दिवस पर बैठे, ये किसने पकड़ रखा है? सत्य ने पकड़ रखा है, चेतन ने पकड़ रखा है, आनंद ने पकड़ रखा है, प्राणी मात्र के सुहृद परमात्मा की सत्ता ने तुम्हें यहाँ पकड़ के बिठाया है। तुम्हारा मंगल चाहती है वो परम सत्ता, तब तुम आ पाए हो। बिनु पुण्य पुंज मिलो नहीं संता, पुण्य का पुंज जोर नहीं करता तब तक संत नहीं मिलते। अब मुहे भराओ भरोसा हनुमंता, विभीषण कहते हैं कि हनुमान अब मुझे भाव है, भरोसा है कि भगवान मुझ पर बहुत मेहरबान है। क्यों, क्या उसकी निशानी है कि मुझे सत्संग मिला है? भगवान की भक्ति मेहरबानी का फल है, संत का दर्शन हो जाए, सत्संग मिल जाए। आप अपने को लाचार दुखी या परेशान मानते हो तो आपकी गलती, भगवान नाराज है मानते हो तो आप अपने भाग्य को कोसते हो, भगवान बहुत राजी है तब आप सत्संग में जा पाते हो, संत का दीदार होता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नहीं जायते, जिसके अल्प पुण्य होते उसको जागृत महापुरुष के प्रति विश्वास नहीं होगा। अपना अहम सर्वश्रेष्ठ है, ये साधु बाबा क्या होते हैं? ये भी मेरी जी हलूरी करे। जब रावण को हो गया कि ये भी मेरी जी हजूरी करे, उस दिन से विभीषण और दूसरे साधु संत मेरे लंका में रहते, ये हजूरी करे, उस दिन से रावण की बुद्धि मारी गई। तो रावण बड़ा बुद्धिमान था, समुद्र को खरास रहित करना, चांद को कला रहित सदा पूनम का चांद बनाना, ये उसके पास प्लानिंग थी। मनुष्य जब चाहे स्वर्ग में जा सकता है, वो उसके पास विद्या थी। लेकिन जब मत्सर आया, साधु संतों को लोग झुककर प्रणाम करते और बोला मेरे राज्य में इनका प्रभाव कैसे, मिटाओ साधुओं को। रावण ऐसा मिटा कि हर बारह महीने दे दिया सलाई, आज तक दिया सलाई चालू है और संतों का सत्कार अभी भी चालू है। किसने किसी को शंका